भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। खबर जनपद भदोही के नगर भदोही से है, जहां आनंद नगर गजिया रेलवे संपार संख्या 31 बी स्पेशल भदोही परसीपुर रेलखंड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के बनने के बाद फाटक को खुला रखने का आश्वासन जिलाध्यक्ष भाजपा विनय कुमार श्रीवास्तव, भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल द्वारा दिया गया। सभी माननीयों का कहना था कि वे जिलाधिकारी महोदय व प्रदेश सरकार से इस संदर्भ में बातचीत कर इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। बताते चलें कि ओवरब्रिज निर्माण के अंतर्गत गजिया रेलवे फाटक संपार संख्या 31 बी को दोनों तरफ से दीवार खड़ी कर बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसका भदोही नगरवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। नगरवासियों का कहना है कि जहां एक तरफ फाटक बंद हो जाने से आवागमन बाधित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फाटक के दोनों ओर के व्यापारियों का व्यापार भी पूर्णतः बंद होने जा रहा है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष सत्यशील गुप्ता, मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, तरुण शुक्ला, मंडल अध्यक्ष अशोक पाठक, अब्दुल हादी, ऋचा सिंह, दीनदयाल सोनकर, फूलचंद मौर्य, पंकज जायसवाल, राजीव मोदनवाल, विकास साहू, विनीत बर्नवाल, भरत जायसवाल, भगवती जायसवाल, सभासद रमेश चंद प्रजापति, राकेश गुप्ता, प्रिय कुमार श्रीवास्तव, सलिल श्रीवास्तव सहित प्रतिष्ठित व गणमान्य व्यवसायी व नागरिक उपस्थित रहे। दीवार बन रही है, रेलवे विभाग बना रहा है और एक तरीके से रास्ता बंद हो जाएगा और आने जाने वाले भी त्योहारें होती हैं और उसमें इतनी छक्कड़ होती है, अगर दीवार उठ गया तो आपके लिए पब्लिक में जो दिक्कतें महसूस होंगी और जो परेशानियां आएंगी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कौन कह रहा है कि दीवार उठ रही है? आज के 8-9 महीना पहले हमारी बैठक जिलाधिकारी और ब्रिज कॉर्पोरेशन रेलवे सभी अधिकारियों के साथ हुई, उसमें हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन लोग जिनकी जमीनें जा रही थी सभी लोग यहाँ पर थे और उसमें यह डिसाइड हुआ था, निश्चित हुआ था कि जो भी रेलवे क्रॉसिंग का प्रस्ताव, पहले यह था कि ओवरब्रिज बन जाने के बाद यह रेलवे फाटक बंद कर दिया जाएगा, तो मैंने कहा कि रेलवे फाटक का बंद होगा तो ओवरब्रिज इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता इस रेलवे क्रॉसिंग जो है, जिस फाटक है उससे ज़्यादा आवागमन है, न कि ओवरब्रिज से। तो उस समय यह निश्चित हुआ था कि यह जो दीवार बनाने का वह है प्रस्तावित है, यह दीवार नहीं बनेगी। अब उसके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही पुल की ओपनिंग होगी, ये दीवार अगर बनी रहेगी तो दीवार तो पहली बात जो हमारी बात हुई बीच में उसमें यह बताया गया कि ये दीवार टेम्पोरी इसलिए बनाई जा रही है, छोटी से उन्होंने ब्रेकर टाइप का बनाया कि ताकि ऊपर से गर्डर या कुछ गिरे ना, ताकि कोई जो है जनहानि ना हो, इसलिए वहाँ पे यह फाटक बंद करने का काम किया गया था। लेकिन जैसे ही रेलवे का ओवर स्लैब पड़ गया पड़ जा रहा है, वैसे ही हम कोशिश होगी और निश्चित रूप से ये फाटक पुनः खोल दिया जाएगा और फाटक को मैं पूर्ण रूप से सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि फाटक बंद नहीं होगा। उसके कारण हैं, कारण यह हैं कि केवल इस ओवरब्रिज से जो अमराई के तरफ इस बाजार में आएंगे वही लोग केवल आएंगे इस ओवरब्रिज से, बाकी चाहे ज्ञानपुर के लोग हों, चाहे सुरजामा के लोग हों, चाहे जौनपुर के लोग हैं जिनको भदोही आना है, वो ओवरब्रिज का प्रयोग नहीं करेंगे, ओवरब्रिज के नीचे से ही उनको आना जाना है। जौनपुर के तरफ आकर जब कोई ज्ञानपुर मुख्यालय पर जाना चाहता है जनपद मुख्यालय पे, तो ओवरब्रिज से क्यों जाएगा, 5 किलोमीटर का चक्कर काट के क्यों जाएगा, वो तो सीधे क्रॉसिंग से 1 किलोमीटर दूरी तय करके नेशनल पहुँच जाएगा। तो किसी भी कीमत पे ये जो फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है गजिया का, वो जो फाटक है वो फाटक खुला रहेगा। हम ओवरब्रिज का अगर फाटक नहीं खुलता है तो हम इसका बहिष्कार करेंगे, निश्चित रूप से जो है फाटक खुला रहेगा। ये हम पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि फाटक बंद नहीं होगा। तो सुनने में आया, अगर मान लीजिए दीवार नहीं होती तो सीढ़ी दिया जाएगा ऊपर ओवरब्रिज से? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। रेलवे फाटक जैसे खुलता था वैसे रेलवे फाटक खुलेगा।
किस तरह का अगर कोई देखिए पूर्ववर्ती सरकारों में केवल ये काम शुरू कराने का काम किया गया, पैसा तो एक भी नहीं था। हम चुनाव यहाँ से जीते, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुआवजा का पैसा दिलाने का काम किया, फिर सभी लोगों के जिनके मकान जिनको मुआवजा मिलना था, जिनके मकान टूटने थे, सभी लोगों के साथ बैठ करके हम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पीड़ित जी गए, सभी लोग सभी सभासद और सभी लोग बैठ करके एक निर्णय किए कि नीचे उसमें अब्दुल हादी भी थे कि नीचे से वो दीवार बनाई जाए और इस फाटक को हमेशा हमेशा के लिए खुला रखा जाए, तो फाटक हमेशा ये खुला रहे। सर, आपकी सरकार सत्ता में है और अगर आप न्याय नहीं दिला पाए तो इससे जनता का विश्वास खात होगा, उसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात तो सरकार मेरी है, मैं अन्याय कहाँ करा रहा हूँ जो न्याय की बात आप पूछ रहे हैं। सर, जैसा कि आक्रोश आपके इस जनता में भरी हुई है, इस दीवार को लेकर जनता में आक्रोश नहीं, जनता में आक्रोश नहीं है, जनता मांग कर रही है, मांग उसकी जायज है। सरकार मेरी है और डीएम साहब ने जो पत्र लिखा होगा वो तो मैं पत्र की तारीख नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि डीएम साहब का ये पत्र जो गया है वो किन्हीं दबाव बस गया होगा या आवश्यकता रही होगी, जो कि रेल पथ के द्वारा संभव होता है कि रेल जाती है तो डिस्टर्ब न किया जाए, ये एक विशेष लॉ भी है। परंतु रेल में जो ऊपरगामी पुल बन रहा है वो पत्र तब लिखा गया होगा जब ऊपरगामी पुल का कहीं दूसरा छोर मिल रहा होगा। जब इस ऊपरगामी पुल का कोई दूसरा छोर है ही नहीं तो फिर रेल पथ क्यों रोका जाए? इसका आक्रोश नहीं है, ये थोड़ी सी हम लोगों ने इस विषय पर जो कार्यशैली है सेतु या जिस पिछली सरकार के नुमाइंदों ने ये कुकर्म किया है, मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। ऐसे जनप्रतिनिधि जनता की भावना के साथ निरादर करते हैं, मैं उनकी भावना का सम्मान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनको पता है वो क्या किए हैं, कहाँ रेल पथ बनना चाहिए, तीन तीन धार्मिक भवनों के साथ छेड़छाड़ हो रहा, ये कौन सा तरीका है? मैं जब से ये विषय मेरे संज्ञान में आया है मैं आपसे और जनता से वादा करता हूँ कि डीएम साहब को मैं मिल रहा हूँ, मुख्यमंत्री से मैं मिलूँगा और मिलकर इस पथ को रोकने नहीं दूंगा तब तक जब तक कि इसका सही निर्णय प्रकट रूप से आ न जाए। ये पुल अगर नीचे से चल रहा है तो ये जाएगा कहाँ? अगर जाएगा तो उसको जाने दीजिए, जब तक नहीं जाता है रेल पथ के क्रॉस को रोकना सर्वथा अमानवीय है, अनुचित है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। मैं माननीय जिलाधिकारी से और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूँगा, मैं यहाँ की जनता के साथ पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हूँ, पूरे होशोहवास में खड़ा हूँ कि हमारी जनता जो मांग रही है वो 100% सच है और ऐसा होना ही चाहिए। जो ये दीवार खड़ी हो रही है, रेलवे वाले जो खड़ा कर रहे हैं दीवार को लेके, अगर ये खड़ा हो गई तो भदोही गजिया का जो मार्केट है उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। मैं मित्र कह रहा हूँ ना कि मैं जो जाना विषय वो मैंने रख दिया, डीएम साहब ने मांग की है, उन पर पुनर्विचार करके मैं आवश्यकता होगी तो रेल भवन से भी बात करके माननीय रेल मंत्री से बात कर लूंगा, ऐसा क्यों घबरा है? धन्यवाद। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।